हेलो गुड इवनिंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडीज स्टूडियो चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनखारवी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एक बार से लाइव हो जाए पहले ये बता दो आवाज़ सबको ऑडिबल है कि नहीं है वेरी गुड इवनिंग आज रीटा खत्म हो गया ओ माय गॉड ज्यादा क्लासेस हो गए आज चलिए इसका भी सोल्यूशन बताते हैं वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग वेल केरी आशीष वेरी गुड इवनिंग निकिता राजेंद्र मनीषा गुड इवनिंग विशाल राघव गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल राइट जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज डेटा थोड़ा ज़्यादा खत्म हो गया है चलो उनके लिए गुड न्यूज़ है बताएं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि कल एक काम करेंगे कल कोई स्पेशल क्लास नहीं लेंगे अन अकेडमी पर ठीक है ना तो कल एक काम करते हैं कि कल अन अकेडमी पर कोई भी आपका स्पेशल क्लास हम नहीं लेंगे ताकि आपका जो आज इतने सारे क्लासेस के साथ में टाइम यूज़ हो गया है तो आपका कोई स्पेशल क्लास कल अन अकेदमी पर नहीं रखेंगे बट हाँ ऑन संडे आपके दो स्पेशल क्लासेस रहेंगे तो उसको प्लीज मिस मत करना वो टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी राइट गीतांजलि भूमि रोहित धीरज निकिता सुनो सिंपल अगर डेटा खत्म हो गया है ना ये डेटा कम हो रहा है तो आज पड़ोसन को मैसेज थोड़े कम करना ठीक है यार अभी यू कैन मतलब ऐसे यार अपनी लाइफ के साथ थोड़ी ना कोई करता है वेल गुड इवनिंग टू ऑल चले अच्छा शुरुआत करेंगे आज के सेशन की ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये आपके आई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं जैसे कि आपको मालूम है वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड जोग्राफी पॉलिटी एंड करेंट अफेयर्स ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाली हैं तो देखते हैं ज़रा कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं लेकिन उसके अलावा सुबह सात बजे का क्लास जितने भी ऐसे हैं जो मिस करते हैं करेंट अफेयर्स का प्लीज डोंट मिस इट और जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाद में ये क्लास देखेंगे आपको ये बता दें ड्रीम यूपीएससी चैनल पे मैंने यूनियन टेरिटरीज पढ़ा दिया है अभी शाम को साढ़े बजे तो जिनका ये मिस हो गया है प्लीज एक बार देख जरूर लेना वरना फिर बोलोगे मैम ये रह गया था ओके एक लास्ट इंफॉर्मेशन आईवी की जो फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है ये आपकी मंडे से स्टार्ट होगी दोपहर में दो बजे और आपकी जो वर्ल्ड जोग्राफी स्टार्ट हो सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री जो स्टार्ट होने जा रही है वो भी आपकी मंडे से रहेगी दोपहर में दो बजे ठीक है हाँ हाँ, हाँ रुक जाओ अभी तुमको छुट्टी दिलाते हैं छुट्टी बेटा लाइफ में कभी ना होती है और छुट्टी अगर कभी सपोज कर लो कि आज छुट्टी है तो वो छुट्टी भी उसी दिन होगी जिस दिन कहीं पे सेलेक्टेड हो जाओगे ठीक है चले निमित शिव राघव सरोज कैलाश प्रधन्या निकिता दिव्या शिव सौम्या नरेंद्र वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक तो शुरुआत करी जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ प्लीज एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार दियो और ये क्लास आपका डेली नहीं रहेगा ये सिर्फ आज के लिए है जस्ट फॉर टूडे ठीक है चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ पटाख से सवाल पढ़ना क्वेश्चन से, से कौन से वाले ऐसे सेल होते हैं कौन से ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर सनलाइट जो होती है ना उसका यूसेज डायरेक्टली किया जाता है आपको ये बताना है देखो जब भी हम सोलर पावर की बात करेंगे एनी <coughs> टाइम जब भी सोलर पावर आएगा हमेशा याद रखेगा कि सोलर पावर का कनेक्शन किससे होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस से होगा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ होगा गुरुग्राम के अंदर होगा और अगर आपसे पूछा जाता है ये बताइए कि इंडिया के अंदर कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं तो आंसर हो जाएगा कोची वाला और पुडुचेरी वाला दोनों याद रखिएगा और जब मैंने आपको सोलर पैनल्स पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उसका यूज यहाँ पर किया जाता है अच्छा एक तरफ तो ये बात हो गई एक तरफ क्या हुआ लिथियम आयंस ये याद रखिएगा कि जो लिथियम आयंस होते हैं ना तो वो जो बैटरीज होती है ना अभी टेस्ला जो है वो एक यूनिट लगा रही है ना बेंगलुरु के अंदर तो वहां पे क्या होगा जो बैटरीज डेवलप करी जाएंगी उसमें किसका इस्तेमाल होगा लिथियम का यूज किया जाएगा राइट वेरी गुड इवनिंग टू ऑल चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर टू पे आइए बताइए इंटरनेट में ये जो चार चार आपको डब्ल्यू नजर आ रहे हैं हम लोग हमेशा क्या कहते हैं ना डब्ल्यू 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 कानी खत्म लेकिन यहां पे चार डब्लू नजर आ रहे हैं आपको बताना है कि जो फोर्थ नंबर का डब्ल्यू है ये क्या बताता है इट स्टैंड <coughs> अच्छा अभी चल आज आए हैं ओ माई गॉड बहुत बड़ी बात हो गई है <laughs> नहीं बच्चा इसके कोई नोट्स नहीं बनाने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सिर्फ आंसर करते चलो फटाफट पट से इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे वॉम आंसर क्या है वॉम समझिएगा वर्ल्ड वाइड वेब वॉम इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस और ये एक तरीके का क्या है सर्च इंजन है इसको डिस्कवर किया गया था 1993 में और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था ओलिवर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था ऐसे ही क्वेश्चन जब आप लोग मंडे से दोपहर में दो बजे आओगे ना क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए फ्री क्लासेस में आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है चलो अगला सवाल बताओ आई पी वी सिक्स एड्रेस इसका साइज कितना होता है आई पी वी सिक्स एड्रेस इसका साइज कितना होता है रिंकी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइज फटाफट से आंसर करते चलो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे वन ट्वेंटी एट पिट्स कई बार क्या होता है ना ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जिसमें कंप्यूटर बेस्ड सवाल बन जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये भी आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए ठीक है ना योजन ओके गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बताएगा हमारा जो संविधान है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से अगर हम देखें माइनॉरिटीज़ यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट उनके लिए बिल्कुल करेक्ट है माइनॉरिटीज़ के लिए अल्पसंख्यकों के लिए ये बताओ अच्छा एक बार समझिएगा अगर मैं आपसे ये बोलूँ माइनॉरिटीज़ तो आप याद रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दो आर्टिकल हमेशा मिलते हैं पहला आर्टिकल क्या है ट्वेंटी नाइन दूसरा क्या है थर्टी है. ए कोई बात नहीं रोहिणी अगर क्लास सुबह मिस हो गया था तो एक बार से उसको प्लीज देख लीजिएगा शशांक करेक्ट आशुतोष सुचित्रा अनु ओके त्रिलोचन ठीक है राघव राइट चलो इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर होगा रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज देखिए हमेशा याद रखा करिए कि जब भी हम किसी को माइनॉरिटी कहेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल कितने माइनॉरिटीज़ आते हैं छः हैं मुस्लिम है सिख है क्रिश्चियन है ये सारे लोग कौन है माइनॉरिटीज़ हैं राइट अब अगर आपसे यहां पे पूछा जाता है माइनॉरिटीज के बारे में तो हमारे यहां पे दो बेसिस पे इनको डिवाइड किया जाता है पहला है रिलीजन दूसरा क्या हो जाएगा लैंग्वेज के बेसिस पे हमेशा याद रखना कि एथनिक माइनॉरिटीज का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ ओके शुभम यू आर टेकिंग क्लास फ्रॉम गॉड ये 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 होता है डेडिकेशन इसे कहते हैं डेडिकेशन अगला सवाल बताइए इसमें से कौन से ऐसे मुगल एम्पर हैं जिनके टाइम पीरियड में जिनके पूरे टेन्योर में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिंदुओं को काम दिया गया था ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपके प्रीवियस ईयर में भी ऐसा एक क्वेश्चन बना के पूछा गया था आंसर करो जानवी दिल्ली बेटा दिल्ली जो है ना वो इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि दिल्ली हम लोग हर दिन पढ़ते हैं और कल सुबह भी दिल्ली पढ़ाने वाले हैं क्योंकि दिल्ली के बारे में ना एक न्यूज थी तो उसको वैसे भी हम कल सुबह सात बजे के क्लास में कवर कर लेंगे तो उसकी टेंशन मत लो वो मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि क्वेश्चन दिख गया था हमको करेंट अफेयर्स के लिए तो मैंने इसलिए उसको स्किप किया था तो दैट विल बी कवर्ड इन क्लास ओके हाँ जी इसका आंसर बताओ अकबर के साथ में जा रहे हैं देखो गरिमा तो कहीं बाबर के साथ में ना चले जाओ चौदह तारीख को बर्थडे ना मना लो आंसर क्या होगा औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर सब के सब गलत गई भैंस तुम्हारी पानी में ठीक है अगला बताओ चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जो दिल्ली सल्तनत थी यानी कि जो पूरा का पूरा दिल्ली एम्पायर था या आप कह लो कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी आपके आप किंग वगैरह रहे हैं या जो सुल्तान वगैरह रहे हैं आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सबके सब सुल्तानों के समय पर या आप कह सकते हो कि उनके टाइम पर आपको इसमें से कोई एक व्यक्ति देखने को मिलता है चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आप तो आंसर कर देना गलत मत करियो बस अब आंसर कर करके बताओ इसका आंसर क्या बनेगा आई एम राइट आई एम राइट ओके भैया सेशन को लाइक और शेयर मार दियो हाँ हम ये कहना भूल जाते हैं मनु थैंक यू ये कहने के लिए uh... बेटा पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है तो आप एसएससी वाले ही बैच ज्वाइन कर सकते हो आपका पीसीएस का प्रीलिम्स का लेवल कवर हो जाएगा हाँ अगर आप पी ये पीसीएस के अंदर प्रीलिम्स और मेंस सब कवर करना चाहते हो देन गो विद यूपीएससी बैच ठीक है इसका आंसर क्या बनेगा आमिर खुसरो इज द करेक्ट आंसर चलो यहाँ पे आमिर खुसरो की बात करी जाए तो इनको क्या बोला जाता है फादर ऑफ कवाली मैंने कई बार आपको सुबह सात बजे की क्लास में ये पढ़ाया भी हुआ है तो प्लीज़ ये नाम याद रखिएगा ठीक है चलो अगला बताओ राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आपको ध्यान होगा कि अयोध्या तो यूपी के अंदर सेक्शन 144 लगाया गया था याद आ रहा है कि नहीं अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या ली थी एडवाइस ली थी आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के अंदर ये एडवाइस ली गई थी आंसर पटाख से आंसर सुजीत आंसर बताओ ईएमआई में बैंक बेटा ईएमआई में सिर्फ HDFC के थ्रू वो हो सकता है EMI का जो ऑप्शन है दैट इज ओनली फॉर HDFC इसका आंसर क्या बनेगा आर्टिकल नंबर 143 देखो सुप्रीम कोर्ट से आप किसी भी तरीके की एडवाइस ले सकते हो एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम लेकिन कौन प्रेसिडेंट बट एक चीज ध्यान रखिएगा दिस इज एडवाइस ये क्या है एक तरीके की सलाह है अब हम आपसे रोज कहते हैं भाई ये पढ़ लो ये पढ़ लो ऐसे नोट्स बना लो क्या कभी मानते हो अभी कहेंगे यस yes, मैम तो अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो ये क्या है यहाँ पे एडवाइस है तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको माने ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो दी एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है अगला सवाल राइट टू प्राइवेसी आपको बताना है यहाँ पे कि ये कौन से मौलिक अधिकार का हिस्सा है राइट टू प्रेवेसी किसके अंदर आता है अच्छा एक बात समझिएगा जब हम मौलिक अधिकार बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स कहेंगे तो ये कौन से पार्ट में है पार्ट नंबर थ्री के अंदर आता है आर्टिकल नंबर ट्वेल्व से लेके थर्टी फाइव के बीच में होता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि इसको कॉपी कहाँ से किया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा यूएसए से इसको कॉपी किया गया अब आंसर करके बताओ कि यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी जो है वो किसके अंदर आएगा एक पॉइंट और याद रखना फंडामेंटल राइट्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं कितने टाइप के होते हैं छह टाइप के होते हैं अब तो आंसर कर दे भाई अब तो इससे ज़्यादा और क्या बताना है इसका आंसर क्या होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देखो आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन या फिर आर्टिकल नंबर नाइनटीन से लेके ट्वेंटी टू के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये तो हो गया आर्टिकल ट्वेंटी वन लेकिन राइट टू फ्रीडम आपको मिलेगा किसके बीच में आर्टिकल नंबर नाइनटीन से लेके ट्वेंटी टू के बीच में ठीक है अमेरिका एग्जैक्टली करेक्ट अगला सवाल है यहां पे अक्षय नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इंडिया का कॉन्सेप्ट अलग है ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग है अब आप सोचो कि यूएसए के अंदर यूनियन टेरिटरीज हो जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल है ना हमारे यहां पे क्या है हम उसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं अब जैसे कि फ्रांस है फ्रांस का एक आइलैंड है री यूनियन आइलैंड तो अब फ्रांस उसको यूनियन टेरिटरी नहीं कहता है सिंपली कहता है कि दैट इज माई पार्ट ओके चलो अगला क्वेश्चन ए इसमें कोई टाइम आउट नहीं हो रहा है झूठ ना बोलो ठीक है चलो अगला बताओ इन्फ्लेशन इन इंडिया आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इन्फ्लेशन के बारे में आपको पक्की वाली इंफॉर्मेशन देता है आंसर करके बताइए देखो सिंपल सा क्वेश्चन है सबसे पहला तो लिखा हुआ है कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की क्योंकि ओनली लिखा है ध्यान से पॉइंट पढ़ना ओनली लिखा हुआ है अगला लिखा हुआ है कि जो आर है उसका कोई भी रोल नहीं होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में तीसरा लिखा हुआ है कि अगर हम मार्केट में से मनी को कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और चौथा लिखा हुआ है कि अगर हम मार्केट में मनी को इंक्रीज कर देंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा क्या होगा बताओ इसका आंसर बबली ये ये तुम टीम से पूछोगे ये टाइम आउट क्यों हो रहा है टीम तुमको आंसर करके बताएगी चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर हम लोग मार्केट में से मनी को डिक्रीज कर देंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा कंट्रोल हो जाएगा ठीक है अगला बताइए सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स सवाल में बोला जा रहा है कि अच्छा ये बताओ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इसमें से किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है वो इसमें से किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है ओके okay. देखो एनडीपीसी में बेटा जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना सबके सब तुमको आते हैं बस ये सोच के पेपर देने जाना दैट्स इट इसका आंसर क्या हो जाएगा लेबर ब्यूरो जो है वो इसको रेगुलेट करता है इंपॉर्टेंट है वो देखो किसी का गुड मॉर्निंग आ रहा है का जब हो भाई साहब अगला सवाल बताइए डेफ ट्रैप क्या होता है ये तो सब जानते होंगे ना चाइना की तो फितरत में शामिल है क्या डेफ ट्रैप अब पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में होता क्या है देखो समझना मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि चाइना क्या करता है किसी कंट्री में जाएगा पैसा लगाएगा पैसा लगाने के बाद में क्या कहेगा कहेगा पैसा वापस लाओ यही तो करता है ना अब वही क्या है क्या कहलाता है डेप ट्रैप कहलाता है तो इसमें अगर हम देखें तो इसका मीनिंग क्या बनेगा बोरो अमाउंट क्या किया अमाउंट क्या किया हमने बोरो किया किससे बाहर के देश से किस तरीके से लोन की तरीके से और फिर बाद में आके क्या हुआ उसी कंट्री ने हमसे बोला पैसे वापस दे दो जैसे कि चाइना यूजुअली करता है श्रीलंका के केस में हो गया या आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ तो ऐसा नहीं करता बट यहां पे ऐसा करता है ठीक है आंसर नहीं कर पाते क्योंकि टाइम आउट हो जाता है अरे यार एक्चुअली यूट्यूब की प्रॉब्लम है ये हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है एक लाइन में आंसर लिखोगे तो आंसर चलेगा ठीक है अगला सवाल बताइए नासा का जो रोवर है जिसका नाम है क्यूरोसिटी ये मार्स पर भेजा गया था आपको बताना है कि सिंपल सी बात है सिंपल पॉइंट है कि, कि किस जगह पर भेजा गया था मार्स के किस पॉइंट पे इसको सेंड किया गया था हाँ हाँ तुम तुम ना चाइना के सुप्रीम कोर्ट में ही जाना हम तुमको सीधे लेके चलेंगे आईसीजे में अच्छा एक बात और सुनिएगा आईसी से याद आया कि कल सुबह ऑर्गेनाइजेशंस का क्लास रहेगा कितने बजे एट फोर्टी फाइव पर कहाँ पर ड्रीम यूपीएससी चैनल पर ताकि जितने ऑर्गेनाइजेशन अभी एग्जाम में आने के चांसेज हैं वो सारे के सारे थ्योरी के फॉर्म में हम आपको पढ़ा देंगे ठीक है इसका आंसर क्या बनेगा गेल क्रेटर वहाँ पे एक क्रेटर है जिसका नाम क्या है गेल ये क्रेस गेल नहीं है वहां पर ये वाला जो मिशन है वो भेजा गया अभी आपने देखा कि मार्स की अगर हम बात करें तो चाइना भी अब पहुँच चुका है यू ए भी पहुँच चुका है टोटल कंट्रीज कितनी हो गई छः देश हो गए हैं जो कहाँ पर पहुँच चुके हैं मार्स पे लैंड कर चुके हैं ठीक है अगला बताओ अगला सवाल है इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है जिसे हम क्या कहते हैं मिशन ऑन मार्स कोई गलत नहीं करेगा आज सुबह ही ये पढ़ाया था क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसके लिए कौन सा वाला रॉकेट यूज किया गया था देखिए भैया इसका आंसर कौन बताएगा अच्छा एक चीज और याद रखना चंद्रयान अगर चंद्रयान के लिए पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रयान के लिए क्या हो जाएगा जीएसएल कौन सा वाला मैं बताऊं ये भी अरे यार सारी चीजें हम ही बताएं और जो आपका गगन यान जाएगा उसमें भी जीएसएल वी मार्क थ्री का यूज किया जाएगा इसका आंसर क्या बनेगा सिंपल है पी एस एल वी का इस्तेमाल किया गया इसको बाहुबली भी बोला जाता है रिमेंबर चलिए नेक्स्ट बताइए इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर सबमरीन कौन सा है आज सुबह ही मैंने आपको बताया था आई एन एस विराट के बारे में और वहीं पे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये बताइए भारत के द्वारा कौन सा वाला आई एन एस है जिसको डेवलप किया गया वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई कोई ऐसा तो नहीं है जिसको आइएस का फुल फॉर्म नहीं बताओ है मंगेश ओके okay, केडी अर्पित प्रदीप पूजा कोमल सुमित वेरी गुड चंदन गुड इसका आंसर क्या हो जाएगा आइएस अरिहंत रहेगा अच्छा ये याद रखना अगर विराट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो म्यूजियम बनाया जाएगा जिसको बनाने की बात हो रही है वो गोवा के अंदर जोरी रिवर में बनाने की बात हो रही है ठीक है अगला सवाल बताइएगा जोला जो है ना यार ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है कोई बात नहीं है क्वेश्चन में सीधे पूछा जा रहा है कि जोला जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है कौन से वाले सॉइल की फर्टिलिटी को तो राइस की जो फर्टिलिटी होता है उसको इंक्रीज करता है देख रहे हो मतलब क्वेश्चन भी कह रहा है कि यार आज क्लास थोड़े ज्यादा हो गए है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कोई बात नहीं आज का ये लास्ट क्लास है और आई प्रॉमिस कि कल आपका कोई भी अन अकेडमी पर स्पेशल क्लास हम कल नहीं लेंगे कल सीधे सीधे आपका सुबह पाँच बजे क्लास है उसके बाद में सात बजे क्लास है एंड फिर आपका एक ये क्लास रहेगा जो कि सिर्फ फिफ्टीन मिनट्स का है और उसके बाद में एक क्लास रहेगा साढ़े दस बजे जिसमें आई के करेंट अफेयर्स आपको पढ़ा देंगे दैट्स इट मतलब ग्यारह बजे के बाद में कल तुम लोग बिल्कुल फ्री हो बिल्कुल फ्री हो राइट right? चलो अगला सवाल बताइए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपको बताना है किसके द्वारा आंसर करो इंडियन नेवल शिप बिल्कुल सही है जाइलम है इसका आंसर जाइलम जाइलम पक्का सब के साथ में जा रहे हो अच्छा 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 सब जाइलम के साथ में जा रहे हैं गजब है गजब है भैया देखो हमेशा ध्यान रखना दो चीजों के बारे में ठीक है एक होता है फूड एक होता है वाटर दो में से एक चीज आपको याद रखनी है तो दूसरी वाली अपने आप ही क्या हो जाएगी आपको याद हो जाएगी नहीं बच्चा कल आपकी दो बजे वाली भी क्लास नहीं होगी दो बजे वाली क्लास आपकी हम संडे को लेंगे ठीक है जिसमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म अभी टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देंगे ठीक है ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लोएम क्या करेगा फूड को कैरी आउट करेगा जाइलम क्या करेगा वॉटर को लेकर जाने का काम करता है अगला बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देखो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है किसी भी चीज़ की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है किसी भी मिट्टी में अगर एन के पाया जाता है यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है तो डेफिनेट सी बात है वो कैसा होगा बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा सारा डेटा गया मैं आज तो ओ ओ ओ हाँ भैया देखो एक बात ध्यान रखना जितनी भी चीज़ें पढ़ाते हैं चाहे एस वाले हो चाहे एन वाले हो चाहे आई वाले हो फंसेगा सवाल सब में ठीक है तो इस कंफ्यूजन में मत रहा करिए कि थंबनेल पे लिखा है आई तो सिर्फ आई वाले बच्चे पढ़ेंगे ये गलती में मत रहा कर भाई अमोनिया इज द करेक्ट आंसर करेक्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिवर्स यूनिटी बताइएगा द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको बोला जाता है जब हिंदू पैक्ट सॉरी जब आपका लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था समझना देखो 1916 की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी गई थी राइट अब ये जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था अगर आप इसमें देखो तो सबसे पहले पुणे के अंदर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया उसके बाद में एनी बेसन ने पूरे भारत में स्टार्ट किया ठीक है उसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो पूना पैक्ट साइन होता है लखनऊ के अंदर सॉरी लखनऊ पैक्ट साइन होता है लखनऊ के अंदर और पूना पैक्ट जो है नाइनटीन में साइन होगा कहाँ पे जेल के अंदर कौन कौन महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में साइन होता है और आपको याद आ रहा होगा जेल टूरिज्म भी स्टार्ट किया गया है कहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर इसका आंसर बताओ आई पी एल ऑप्शन चलो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर अगला सिटीजन एंड सोसाइटी ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है सिटीजन एंड सोसाइटी अरे वाह ये भी याद आ रहा है कि कौन सा वाला वो मॉन्यूमेंट है जिसको दाव पे लगाने जा रहा है पाकिस्तान वेरी गुड ये वो बच्चे होते हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे होते हैं और सारे क्लास में नजर आते हैं और यही बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन भी लेके जाते हैं ठीक है चलिए इसका आंसर क्या होगा हामिद अंसारी क्या नाम बनेगा हामिद अंसारी ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनकी किताब इंपॉर्टेंट है अगला बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है गुड इंडिया मूवमेंट शिमला कॉन्फ्रेंस पूना पैक एंड कैबिनेट मिशन देखो ये हम सभी लोग जानते हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये मैंने अभी आपको बता दिया और ये तो हम लोग हमेशा ही सुनते रहते हैं लगा दो भाई अरेंज कर दो इसको अरेंज इट अरेंज कर दो इसमें क्या होगा सिंपल आंसर क्या बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कौन सा वाला आया ये वाला आया दूसरा आप देखोगे तो ये वाला आया तीसरा ये हो गया और चौथा कौन सा हो गया ये हो जाएगा और जब कैबिनेट मिशन आता है उसके बाद में ही क्या बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन होती है और नाइन्थ ऑफ दिसंबर 1946 को इसका सबसे पहला सम्मेलन आयोजित किया जाता है किशोर कुनाल अरे भाई अभी आंसर कर ले। अगला ऑटोबायोग्राफी है एज अगेन ऑट्स ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? है इंडिया कैसे खरीद सकता है यार देखो पहली बात तो ये समझो कि वो उसको ऑक्शन में डाल क्यों ना होगा अरे यार उसको पहले से ही प्रॉफिट हो रहा होगा किससे चाइना से इसलिए वो उसे ऑप्शन में डाल रहा होगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चाइना उसको पैसा ना दे रहा हो तो वो पहले से ही सेट होगा वो सब कहने की बातें हैं ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा सानिया मिर्जा इज द करेक्ट आंसर मालूम है ना टेनिस प्लेयर है भूल मत जाना अगला बताओ फीफा वर्ल्ड कप टू का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा देखिए 2022 की बात करी जाएगी तो दोहा के अंदर होगा अगर आपसे पूछा जाए 2026 में कहां पर होगा तो इसका आंसर क्या बनेगा ऑल ऑफ दी यानी कि यूएस मैक्सिको एंड कनेडा ये तीनों कंट्रीज हैं जो इसका आयोजन इस बार का नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर का करेंगे ठीक है अगला बताओ सवाल में पूछा जा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है ए आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना ठीक है फेड कब अरे वाह वेरी नाइस प्रधान तेजपाल प्रभा ओके राघव मनीषा तृप्ति अनु अभिषेक गुड चलो इसका आंसर बुद्धिज्म हिंदुज्म और जैनिज्म तीनों देखने को मिलता है अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले अरे कुछ दिन पहले कल ही तो पढ़ाया था ना भीम बेटका की गुफाएं याद आ रहा है एमपी वाली जहां पे क्या मिले थे कुछ मिलियन ईयर पुराने साइन देखने को मिले थे कुछ याद आया ऑडिटोरियम के मुझे आप इसका आंसर बताओ इसका आंसर क्या बनेगा मेरे को समझ नहीं आता है एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो जब ये लिख कर भेजते हो तो कैसे आंसर आ जाता है आंसर के टाइम पे टाइम आउट होता है क्या वो कहता है यार अब तो आंसर जा रहा है अब टाइम आउट होते हैं इसका आंसर क्या होगा एलोरा कहां पर है महाराष्ट्र के अंदर अजंता की बात करोगे तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है एलिफेंटा की बात करोगे तो ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है ठीक है और तीनों ही आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी अगला वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है आपको बताना है यहाँ पर उस मॉन्यूमेंट का नाम क्या है जिसको यहाँ पे नेक्रोपोलिस ऑफ मुगल डायनेस्टी भी बोला जाता है नेक्रोपोलिस ऑफ मुगल डायनेस्टी भी बोला जाता है इसका आंसर बनेगा यहां पे हुमायूं का मकबरा या फिर हुमायूं टॉम क्या मुझे बता सकते हो कि ये कहाँ पर है कौन से स्टेट में ओप्स सॉरी कौन से यूनियन टेरिटरी में या कौन से स्टेट में है अब तो आंसर कर देना आप तो गड़बड़ मत करना ठीक है अगला बताइएगा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो एक डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किए गए आप सोचेंगे मैम ये क्यों सवाल बनाया है एक्चुअली क्या होता है ना कई बार अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर भी सवाल बनते हैं और अफ्रीकन कंट्रीज में जो छोटे छोटे देश होते हैं वहां से सवाल निकाल लिए जाते हैं तो आपको इसका आंसर बताना है क्या बनेगा बेटा आई के लिए एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा सिक्स मंथ नहीं एक साल का करंट अफेयर्स सिक्स मंथ में तो पता नहीं चलेगा ना कि कुछ फंसा भी की नहीं फंसा हम आपको पढ़ाएंगे टेंशन ना लो कल क्लास रहेगा आईबी के करंट अफेयर्स का बजे इसी जगह पर वो क्लास होगा आंसर क्या होगा पे हामिद को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया अगला एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन आपको बताना है ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया चलो हिंट दे देते हैं पंख लॉन्च किया गया इसके साथ में सांस को भी लॉन्च किया गया और इंतजार तो आपका कब से कर रहा है अब तो आंसर कर दो भाई आंसर क्या होगा एम के अंदर इसको लॉन्च किया गया अच्छा आज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए एक स्कीम भी स्टार्ट करी गई बल्कि एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है ना तो ये आपको ध्यान रखना है दिल्ली 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 ओके वन नेशन वन वन नेशन वन राशन कार्ड कितने स्टेट में हो गया है बटा स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों मिला लो तो थर्टी हो गया है ठीक है अगला देखिएगा ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीती गई चलो हिंट दे देते हैं इनको अभी हाल ही में सर की उपाधि दी गई है या फिर आप ऐसे समझ लो इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है ब्रिटेन के द्वारा तो ऑब्वियस सी बात है कहां से बिलोंग करते होंगे ब्रिटेन से कौन है जो गाड़ी को चलाता नहीं उड़ाता है तो आंसर क्या होगा मोसिटीज एंड आंसर बनेगा लोएस है ठीक है चले नेक्स्ट बताए परिवार पहचान पत्र मैंने इसके ऊपर एक पूरा का पूरा आपको एडिटोरियल का सेक्शन पढ़ाया था आपको बताना है कौन से स्टेट में इसको लॉन्च किया जा रहा है कौन से स्टेट में इसको लॉन्च किया जा रहा है कौ कैबिनेट भी यहां पर है बिल्कुल सही सही जवाब करेक्ट है हाँ बिल्कुल सही है ऑल इंडिया का टारगेट रखा गया है बट अभी तक आप जानते हैं कि चीजें जो है वो अचीव नहीं हुई है इसका आंसर बनेगा हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया अगला बताओ पूछा जा रहा है कि जो तेंदू लीव्स होती है ना कौन सा इनमें से ऐसा स्टेट है जिसने बोला है कि इन पत्तियों का इस्तेमाल करते हुए बीडी का प्रोडक्शन किया जाएगा खूब सारा बट दिस नॉट गुड फॉर हेल्थ ठीक है आंसर करके बताओ। चलिए, इसका आंसर बनेगा छत्तीसगढ़ के अंदर इसको लॉन्च किया गया फिर से बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा कि आईबी के लिए जो आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो टेस्ट सीरीज आपके एसएससी के काम भी आएगी और एनटीपीसी वालों के लिए भी है आईवी लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि जीएस बदल जाएगी या जीके बदल जाएगी या करेंट अफेयर्स बदल जाएगा इस गलत में मत रहिएगा चलिए कैक की पोजिशन पे अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है हमें यह बताना पड़े तो तो फिर कल से पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा आंसर बताओ बेटा किसी भी पेपर की तैयारी करो बस ये मान के चला करो एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ने ही पड़ना है और पिछले साल के जो अवार्ड्स हैं जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हुए या जो समिट ऑर्गेनाइज हुए ये तीनों आपको पिछले दो सालों के एक बार से देखने पड़ेंगे ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी इज द करेक्ट आंसर इससे पहले कौन थे राजीव महर्षि जी को अपॉइंट किया गया था अगला सेबी के चेयरपर्सन सेबी के चेयरपर्सन भूपेश भागेल करेक्ट सेबी के चेयरपर्सन आंसर क्या हो जाएगा अजय त्यागी जी को अभी रिसेंटली यहां पे इनका टाइम पीरियड इंक्रीज किया गया है अगला हिरोशिमा किस दिन मनाया जाता है देखिए जब वर्ल्ड वॉर टू अरे वर्ल्ड वॉर से याद आया मंडे से वर्ल्ड वॉर पढ़ाने जा रहे हैं हम दोपहर में नहीं बल्कि सुबह साढ़े दस बजे का जो क्लास होता है ना उसमें वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देंगे ताकि पूरा का पूरा खत्म हो जाए टेस्ट सीरीज वर्ल्ड वॉर ये दोनों ही क्लासेस आपके अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस होंगे साढ़े दस बजे मंडे से आपकी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी अन अकेडमी पे लड़ाई नहीं करनी है मतलब पढ़ने के लिए आना है और दोपहर में दो बजे अन अकेडमी पे आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसमें डेली बेसिस पे फोर्टी क्वेश्चन होंगे हिरोशिमा डे कब होगा छह अगस्त अगर पूछा जाए नागासाकी तो आंसर क्या हो जाएगा नौ अगस्त रहेगा राइट तो हमने यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए उम्मीद करते हैं कि आपने इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे मुझे जरा लिख के बताओ मैक्सिमम करेक्ट है कि नहीं है सेकेंडली आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पेड बैच ज्वाइन करना है बच्चा ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेब से पहले ज्वाइन कर लेना क्योंकि नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें सबसे पहले जीएस में इकोनॉमिक्स हम पढ़ाएंगे ठीक है कोड रहेगा कृति टेन और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको जीएस मैथ इंग्लिश और रीजनिंग ये चारों सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से मिलेंगे राइट और हां इसको ज्वाइन करने का लिंक टेलीग्राम पे भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है बस ये ध्यान रखिएगा अगर आप ई करते हो तो एच कार्ड के थ्रू आप ई कर पाओगे और चलिए तो मिलते हैं सुबह सात बजे के सेशन में पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी अभी कहां पर ऑन टेलीग्राम और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अन अकेडमी पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है प्लीज डू फॉलो ताकि आपको हर एक क्लास मिल सके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है चलो मिलते हैं सुबह एंड गुड नाइट टू ऑल बहुत कम ऐसा मौका मिलता है ना कि गुड नाइट बोल पाते हैं आपको चले गुड नाइट टू ऑल बाय एंड